टीवी सीरियल अदाकारा सुप्रिया कुमारी ने टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 के साथ 2 सालों बाद टीवी की दुनिया में वापसी की थी। राजन शाही के प्रोडक्शन तले बनने वाले इस टीवी सीरियल को लेकर एक्ट्रेस बेहद एक्साइटेड थी, मगर फिर जल्दी एक्ट्रेस की इस टीवी शो से छुट्टी भी हो गई और उनका ट्रैक बुरी तरह खत्म कर दिया गया। इससे सुप्रिया कुमारी को बेहद बड़ा झटका लगा है। अदाकारा ने इस बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके ट्रैक को रातों रात बुरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने 15 मार्च को शो की शूटिंग शुरू की थी, हालांकि 4 दिन की शूटिंग के बाद फिर बस मुझे बुलाया ही नहीं गया। फिर मैंने इंतजार किया, लेकिन अप्रैल में जब मैंने क्रिएटिव टीम से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा शो ले सकती हूँ। ये बेहद खराब था, मेरा ट्रैक बहुत बुरी तरह खत्म कर दिया गया, मुझे बताया तक नहीं गया और मेरी शो से छुट्टी कर दी गई। इस टीवी शो में सुप्रिया कुमारी चेतन हंसराज के भाई की पत्नी के किरदार में नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बड़ा मौका था, राजन शाही के साथ काम करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे शो कुछ ही दिन बाद छोड़ना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर है, ये स्थिति किसी के साथ भी ना हो। मैं शो को छोड़ने के बाद बहुत पछता रही हूँ और बहुत बुरा फील कर रही हूँ। इस बारे में जब निर्माता राजा शाही से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ, मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 के लिए कुछ किरदारों को हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उन्होंने इस शो को तब ज्वाइन किया जब दूसरा सीजन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही उनका ट्रैक शेप होना शुरू हुआ वैसे ही बीमारी की दूसरी लहर आ गई और हमें मुंबई के बाहर शो की शूटिंग शुरू करनी पड़ी, जिसकी वजह से हम ओरिजिनल प्लान के मुताबिक कई किरदारों को आगे नहीं ले जा पाए। उस वक्त हमें कई मुश्किल फैसले लेने पड़े, कई किरदारों को बीच में ही खत्म करना पड़ा। डायरेक्टर ने कहा, ये वाकई बहुत बुरा हुआ कि हमें बीच में ही लोगों को छोड़ना पड़ा। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त मजबूरियां ही कुछ ऐसी थी, हमारे हाथ बंधे हुए थे। वास्तव में हमने नए परिवार के लिए नया सेट बनाया था जिसे हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, हमें रातों रात दूसरे राज्य में जाना पड़ा। सुप्रिया एक शानदार एक्ट्रेस हैं और एक अच्छी इंसान है, मैं निश्चित रूप से आगे उनके साथ काम करना चाहूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। वही आपको बता दें, एक्ट्रेस इस शो को छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसा फील कर रही है। इंटरनेशनल की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत और चकाचौंध भरी लगती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अंदर से उतनी ही खोखली है। फिल्मी और टीवी सितारों के रिश्ते जितने जल्दी बनते दिखाई देते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा उतनी जल्दी वो टूटते नजर आते हैं। हालांकि आज भी कई ऐसी जोड़ियां हैं जो रिश्तों की मिसाल आज भी पेश करती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिनके लिए मानो रिश्ता बनाना और खत्म करना एकमात्र खिलौना हो गया है। आए दिन फिल्मी और टीवी जगत से ब्रेकअप और तलाक की खबरें सुनने को मिलती हैं। इस बीच एक और टीवी कपल का रिश्ता टूटता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम प्रियंका उदवानी और अंशु पांडे के ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही हैं। प्रियंका उदवानी, जिन्होंने अक्षरा यानी हिना खान की देवरानी का किरदार निभाया था, और उनके पति बने थे अंशु पांडे। सीरियल में पति पत्नी का रोल अदा करने वाले ये स्टार सच में पति पत्नी बनना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही इनका रिश्ता टूट गया। 1 साल बाद डेट करने लगे थे, लेकिन अब प्रियंका और अंशुल का रिश्ता टूटने की खबरें आ रही हैं। रिश्ता तो टूटता नजर आ ही रहा, साथ ही प्रियंका ने अंशुल पर जो आरोप लगाए वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, प्रियंका की आंखों में खुलेआम धूल झोंक रहे थे अंशुल, और प्रियंका ने रंगे हाथों अंशुल को ऐसा करते पकड़ लिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने बताया कि कैसे उनका रिश्ता खत्म हुआ। प्रियंका ने कहा, पिछले हफ्ते मैंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और मुझे तेज बुखार था। अंशुल रात को 7 बजे घर से निकला और बोला कि कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा, लेकिन वो अगली सुबह तक आया। रात भर कहाँ था इस बारे में मुझे उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चला। अंशुल कई लड़कियों के साथ था, बस उसके बाद ही मैंने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। प्रियंका ने आगे कहा कि उन्हें कुछ लड़कियों के मैसेज आए थे जिसमें लिखा था कि कैसे अंशुल ने उन पर लाइन मारने की कोशिश की थी। उन लड़कियों ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उनके साथ खुश थी। प्रियंका उदवानी ने बताया कि ये काफी समय से चल रहा था, लेकिन अब मैं एक स्टेज पर आकर पहुंच गई हूं जहां मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। जब लोगों ने मुझे अंशुल के बारे में बताया तब मैंने उनका भी विश्वास नहीं किया। मैं प्यार में अंधी थी, लेकिन अंशुल बहुत ही टॉक्सिक इंसान है और उसने मेरी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी भर दी है। उससे अलग होकर मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा फ्रीडम महसूस कर रही हूँ।
और अब आगे ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अंशु पांडे ने इस पूरे मामले पर कहा कि प्रियंका मुझ पर चीट करने का आरोप गलत लगा रही है। किसी को भी ऐसी बात कंफर्म करके ही बोलना चाहिए, इसलिए नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाओ। प्रियंका जो कहना चाहे कह सकती है, वो इसके लिए फ्री है, लेकिन मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाना गलत है। प्रियंका को मेरे प्लान के बारे में पता था, मैंने उनसे आराम करने के लिए कहा था और वो दोस्त के बारे में जानती थी जिससे मैं मिलने जा रहा था, वो सब कुछ जानती थी। उसके बाद भी उसने मुझ पर ये गंदे आरोप लगाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। टीवी का चर्चित सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड हर किसी को हिलाकर रख देगा, क्योंकि शो में बड़ा बदलाव होने वाला है और बड़ा बदलाव एक्टर करण कुंद्रा के साथ किया जाएगा। करण कुंद्रा पर ऐसी आफत आएगी कि उन्हें सब छोड़कर भागना होगा। जी हाँ, करण कुंद्रा का एक्सीडेंट हो जाएगा और उन्हें हमेशा के लिए शो को अलविदा कहना होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सालों से लोगों का एंटरटेन कर रहा है। इस सीरियल में कुछ महीने पहले ही एक्टर करण कुंद्रा की एंट्री हुई थी। सीरियल में करण कुंद्रा ने रणवीर का रोल अदा किया जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है। करण कुंद्रा अपने हिस्से की सारी शूटिंग पूरी कर चुके हैं और बीती शाम उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीम ने फेयरवेल पार्टी दी। इस बीच उनके साथ वाले सभी लोग इमोशनल हो गए। शिवांगी जोशी भी रोती हुई दिखाई दी। एक मिनट में सेट का माहौल बदल गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब तो ये शो बंद ही कर देना चाहिए, जब उनके चहेते स्टार्स ही नहीं दिखाई देंगे तो ये शो देखने का भी कोई फायदा नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट से मोहसिन खान और करण कुंद्रा के कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सेट पर आखिरी दिन करण कुंद्रा ने मोहसिन खान को केक खिलाया, उनसे दोबारा मिलने का वादा भी किया। करण कुंद्रा के साथ फेयरवेल पार्टी को खास बनाने के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता कि पूरी टीम ने उनके साथ स्पेशल टाइम बिताया और उन्हें कई तरह के गिफ्ट भी दिए। अपनी फेयरवेल पार्टी में करण कुंद्रा ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर कहा। ये रिश्ता क्या कहलाता में काम करने का मौका देने के लिए करण कुंद्रा ने राजन शाही का शुक्रिया अदा किया। करण कुंद्रा की कई फोटोज वायरल हो रही हैं, उनके फैंस थोड़े दुखी भी हैं। साथ ही वो मेकर से सोशल मीडिया पर गुजारिश कर रहे हैं कि करण कुंद्रा को वापस शो में ले लिया जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में सीरत को रणवीर की तबीयत के बारे में पता चलता है, वो तुरंत अस्पताल की तरफ जाती है। अस्पताल में पहुँचने तक करण कुंद्रा की मौत हो जाती है। रणवीर की मौत के साथ ही ये रिश्ता क्या कहलाता में करण कुंद्रा का सफर भी वहीं खत्म हो जाता है। अब रणवीर की मौत से देखना होगा कि शो की कहानी क्या नया मोड़ लेती है। क्या कार्तिक और सीरत शादी करेंगे, इसका जवाब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल, आप करण कुंद्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।